हम खाके देखेंगे। सुबह भी हमने ब्लॉग बनाया था, सुबह शॉर्ट वीडियो बनाया था खाली, और ये जब बनने के बाद प्रिपेयर होने के बाद इसका पूरा वीडियो बना था। और ये जो है जायका, इसको मैं अच्छा लगता है जब ये पतला हो, सालन जितना पतला होगा उतना अच्छा रहेगा। ये मेरे हाथ थोड़ा कांपता है लेकिन कोई बात नहीं। और ये रोटी और चावल के बनिस्बत पाव में ज़्यादा मज़ा आता है, पाव में ज़्यादा अच्छा लगता है, पाव में ज़्यादा टेस्ट आता है। तो पहले हम लोग ट्राई करेंगे बगैर उसके, बगैर बोटी के, है ना, बगैर बोटी के ट्राई करेंगे तो ज़्यादा टेस्ट आएगा और ज़्यादा मालूम पड़ेगा कि कैसा बना हुआ। बोले अच्छा ही बोलना पड़ेगा क्योंकि वाइफ ने बनाया है तो अच्छा ही बोलना पड़ेगा। मैं लेफ्ट हैंड देख रहा हूँ तो प्लीज़ कोई फतवा मत दे देना, मेरा राइट हैंड में लकवा है इसलिए लेफ्ट हैंड से ही खाता हूँ। सायका तो बहुत अच्छा है इसका, तो बगैर बोटी के और बगैर कांदे के मैंने ट्राई किया, ये इसका बहुत अच्छा सायका है। और ये जो मैं रिव्यू कर रहा हूँ ये मेरी बेटी के बोलने पर कर रहा हूँ, उसने बोला कि आपको रिव्यू चालू कर दो, तो रिव्यू चालू कर दे दूँ। अभी हमने ऊपर का पाव खाया, अभी हम नीचे का खाएंगे। पाव को शायद बन भी बोलते हैं दिल्ली साइड में, तो बन खाना हूँ। और ये जो है मैं कांदा रख रहा हूँ साथ में, है ना, कांदा रख रहा हूँ। और ये जो है मैं, ये बोटी आप देख सकते हो, बोटी बहुत ही गल चुकी है, बहुत ज़्यादा गल चुकी है बोटी, इतनी नहीं गलनी चाहिए, थोड़ी सी टाइट होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये गल गई है। और प्याज भी मैंने ले लिया है साथ में, और प्याज के साथ बोटी के साथ और पाव के साथ, तीनों के साथ मिलके एक निवाला बना रहा हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बना हुआ है। मैं तो रिकमेंड करूँगा आप लोग भी घर में बनाएं और आप लोग भी इसको टेस्ट करें कैसा लगता है। मैं इसका जो है एक मूवी डालूँगा कि बनाया कैसे गया है ना, और उसका भी वीडियो मैं बना के डाल दूँगा। तो अभी तक के लिए गुड बाय, शपा खैर, और आप लोग भी अच्छा करते बनाइए इसको और इसको टेस्ट कीजिए। मैं इसका वीडियो भी डालूँगा कि कैसे बनाया गया और ये कैसे प्रिपेयर किया गया। अभी के लिए गुड बाय, शपा खैर, अल्लाह हाफिज, और सब कुछ हो गया और मैं अभी ये वीडियो बंद कर रहा हूँ, अल्लाह हाफिज।